स्टूडेंट, आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी चित्रकला पढ़ते हैं, आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा 2025 में हमें 100 में 100 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद से यहाँ पे 100 में 100 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। इस वीडियो में क्या करूंगा, चित्रकला के 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं, और मेरी है कि इन 100 प्रश्नों में से मात्र आप 50 प्रश्न क्या करते हैं तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। आप 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको नंबर मिलने वाला, एक एक प्रश्न का आपको आंसर बताने वाला हूँ, बस वीडियो ध्यान से देखिए। और मैं बता दूं कि पूरे YouTube पे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आप सब देखिए, आपको चार ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे चार दिया गया है, पांच दिया गया है, सात दिया गया, आठ दिया गया, तो आप सभी जानते हैं भाई इंद्रधनुष में क्या होते हैं, सात रंग होते हैं, तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, चलिए आपको दूसरा प्रश्न भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, आपको बताना है कि जो नीला रंग होता है वो नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है। तो आप सभी को बता दूं कि जो नीला रंग होता है वो ठंडा रंग होता है, और जो ठंडा रंग होता है वो क्या होता है, ठंडा प्रभाव ही डालता है। तो यहाँ पे देख सकते, आपको चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे कवाला हो जाएगा, नीला रंग क्या होगा, आंखों पे ठंडा प्रभाव डालेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है, हरा है, लाल है, नारंगी है या बैगनी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया, आप सभी को याद रखना है, रंग होता है प्राथमिक रंग होता है, तो यहाँ पे खौ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चार नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको बोल रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, तो आप सभी को बता दो कि जिसमें बी की संख्या अधिक होती है, याद रखिएगा जिसमें बी की संख्या अधिक होगा वो क्या होगा, अधिक गहरा यानी काला होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा बी किसमें है, ग वाले में है, तो यहाँ पे 2B आपका करेक्ट आंसर, यानी ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपके सामने 5 नंबर का ही प्रश्न आ गया है, बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, आपको आप लाल और नीले रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, नारंगी और बैगनी, इसके अलावा दो और भी ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दूं किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे खवाला हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा दो और ऑप्शन आपको दिया गया है, चलिए वो भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपको करा देते हैं। देखिए, दो और ऑप्शन आपको दिया गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। यहाँ देखिए, 6 नंबर का जो प्रश्न आपको दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आपको दिया गया है कि ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं, तो गोवाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, 7 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा, दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले, यानी इस तरह के रेखा जो होता है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, कभी नहीं मिलता है, ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, 8 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि एक महीन ब्रश निम्न से कौन सा, आपको बताना है कि सबसे महीन सबसे पतला ब्रश कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है जितना ही नंबर कम होगा वो ब्रश उतना ही पतला होता है, और जितना ही नंबर ज्यादा होता है वो ब्रश क्या होता है, उतना ही मोटा होता है। तो यहाँ पे महीन पूछा गया, तो हमारा खवाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम नंबर हमारा 1 है, आपको याद रखना है। आपके सामने 9 नंबर का भी प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता, आपको बताना है कि कौन से दो रंग मिला दिया जाएगा तो हमारा हरा रंग बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दूं करेक्ट आंसर यहाँ पे खोवला हो जाएगा, पीला में क्या करेंगे, जब आप नीला रंग मिलाएंगे तो आपका हरा रंग बनेगा, याद रखना है। यहाँ पे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेखा किसे कहते हैं, आपको बताना है कि भाई रेखा क्या होता है, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, या इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन आपको दिया गया, तो चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। ये आपको 3 और ऑप्शन दिया गया, लेकिन आप सभी को याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको दिया गया है कि तटस्थ रंग कौन सा, आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा रंग है जो तटस्थ रंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा काला और सफेद होता है वही हमारा तटस्थ रंग होता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसको बिना ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप सभी को बता दूं जो पेस्टल रंग होता है इसको बिना ब्रश की सहायता से आप लोग लगा सकते हैं, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न से सबसे अधिक मोटा ब्रश है, तो अभी मैं बताया है कि जितना ही नंबर ज्यादा होगा ब्रश उतना ही मोटा होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर 6 है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, आपको बताना है कि जब सूर्योदय होता है तो क्षितिज का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, पीला होता है, नारंगी होता है या लाल होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई जब सूर्योदय होता है तो जो क्षितिज का रंग होता है लाल होता है, तो घवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 100 प्रश्न देख लेते हैं और इसमें से मात्र 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा नंबर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना, चूंकि एक एक प्रश्न चुन चुन के लिखा गया और यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे आएंगे। तो चलिए आपके सामने 15 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। प्रश्न आपको 15 नंबर का भी प्रश्न लिखा होगा, काफी शानदार काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप सभी को याद रखना कि जो कोण होता है वो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, चूंकि कोण के अंदर आलेखन नहीं बनाया जा सकता है। और 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो गर्म रंग है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर साल क्या होता है बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 2025 में भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी को बता दूं कि जो लाल रंग होता है गर्म रंग होता है, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस पेंसिल से हम रेखा खींचेंगे तो हमारा हल्का होगा, तो अभी मैंने बताया कि जिसमें बी की संख्या अधिक होता है वो गाढ़ा होता है, और जिसमें एच की संख्या क्या होता अधिक होता है वो क्या होता है हमारा हल्का होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा एच किस में है, गौ वाले में 2H है, तो गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि द्वितीय रंग कितने होते हैं, आपको बताना है कि जो द्वितीय रंग होते हैं कितने होते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि द्वितीय रंग 3 होते हैं, तो घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई देगा, आप प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप सभी को बता दूं कि जो तैल रंग होते हैं ऑयली कलर होते हैं उन्हीं का माध्यम पारदर्शी होता है, तो घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का भी प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा, आपको बताना है कि जो काला रंग होता है इसका विरोधी रंग कौन सा होता है, हरा होता है, सफेद होता है, या इसके अलावा 2 और ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे खवाला हो जाएगा। जो काला रंग होता है उसका जो विरोधी रंग होता है सफेद होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं 2 और अभी ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, आपको बताना है कि जो प्राथमिक रंगों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे बता दूं कि जो प्रश्न नंबर 21 है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खवाला हो जाएगा, प्राथमिक रंग 3 होते हैं, आपको याद रखना है। और 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में ठंडा रंग कौन सा, आपको बताना इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा रंग होगा, तो आप सभी को बता दूं कि हरा रंग ठंडा होता है, तो घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा हो जाएगा, जब पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा हरा रंग बनेगा, आपको याद रखना है। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, भैया तटस्थ रंग कितने होते हैं, जो न्यूट्रल कलर होते हैं कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 होते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे घव हो जाएगा, आपको याद रखना है काला और सफेद हमारा तटस्थ रंग होता है, आपको याद रखना है। 25 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि कला किस भाषा का शब्द, आपको बताना है कि जो कला शब्द है वो किस भाषा का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, पाली का है या बंगला का है, तो आपको याद रखना है कि जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल में हरा रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि क्या क्या हमारा ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पीला, नारंगी, भूरा और बैगनी है, तो आप सभी को बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कवला हो जाएगा, पीला रंग बनेगा, आपको याद रखना है। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 27 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्ण का क्या अर्थ होता है, तो आप सभी को बता दूं कि वर्ण का जो अर्थ होता है रंगों से होता है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपको दिया गया है कि ओस्टवाल संबंधित, आपको बताना है कि जो ओस्टवाल है वो किससे संबंधित है, तो आप सभी को बता दूं कि ओस्टवाल का जो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन से है, तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा।
29 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि लाल और हरा रंग है, आपको बताना है कि जो लाल और हरा रंग होता है वो किस प्रकार का रंग होता है। तो आप सभी को बता दूं कि लाल और हरा रंग विरोधी रंग के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे गोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपके सामने देखिएगा 30 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा है, एक वर्णी है, वर्णहीन है, बहुवर्णी है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्णी का मतलब एक ही रंग होता है, वर्णहीन मतलब कोई रंग नहीं होता है, और बहुवर्णी मतलब एक से अधिक रंग। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक से अधिक रंग है, तो यहाँ पे एक से अधिक रंग है, तो यहाँ पे गोल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार दिया गया है भाई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आपको बताना, अगर हम कोई फिगर बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, आलेखन होता है, विरोधी रंग होता है, संयोजन होता है, या अच्छा फ्रेम होता है। तो आप सभी को पता है कि संयोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे गोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न करा देते हैं। सामने 32 नंबर का प्रश्न आ गया है, प्रश्न कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है। आप सभी को बता दो कि जो बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो आलेखन चार प्रकार का होता है, तो कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार आपसे पूछा गया है भैया, प्रश्न पूछ रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारे के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए, तो किनारी आलेखन का प्रयोग हम किनारा बनाने के लिए करेंगे, तो यहाँ पे खबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आपके सामने 34 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, भाई हरा रंग ठंडा होता है तो ठंडा प्रभाव ही डालेगा, तो खबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो आप सभी को बता दूं कि चित्र में जो गहरा रंग होता है ना वो घनत्व दिखाने के लिए होता है, कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं डेली लाइव क्लास भी प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग लाइव क्लास में भी आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ गया 36 नंबर का प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि भाई एक रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो एकाकी रंग संगति में एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने आ गया 37 नंबर का प्रश्न, देखिए आपके सामने 37 नंबर का प्रश्न आ गया, प्रश्न कह रहा है कि हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्न में से किसमें मतलब आएगा, द्वितीय रंग में आएगा, प्राथमिक में, ठंडे या तटस्थ में। तो आप सभी को बता दूं कि जो 37 नंबर का प्रश्न है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कोवला, द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। 38 नंबर का प्रश्न है कि आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो गोबल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 39 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, तो नहीं, सरल रेखा जो होता है लयात्मक नहीं होता है, तो गोबल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर गोबल हो जाएगा। और देखिए 41 नंबर का प्रश्न बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, आई होप भी होगा। प्रश्न कह रहा है कि लाल में सफेद रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा, मतलब लाल रंग में जब आप सफेद रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, नारंगी बनेगा, गुलाबी बनेगा, हरा बनेगा, या बैगनी बनेगा। तो आप सभी को पता है कि भाई लाल में जब सफेद मिलाते हैं तो गुलाबी बनता है, तो यहाँ पे खोल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 42 नंबर का ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ रहा है कि अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, और इसके अलावा दो और ऑप्शन आपको दिया गया वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे खोबला हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई जो अल्पना है वो कौन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम देखना चाहेंगे कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको अल्पना के बारे में पता है, तो जिनको भी पता होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं 43 नंबर का प्रश्न, देख सकते हैं दो और ऑप्शन आपको दिया गया था, और 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है आदर्श रंग कितने होते हैं, आपको बताना है कि आदर्श रंग जो होते हैं कितने होते हैं, तो करेक्ट आंसर घोवला हो जाएगा, 6 होते हैं, आपको याद रखना है। 44 नंबर का प्रश्न आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बता दो कि चित्रकला के क्या होते हैं, 6 अंग माने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गोवला हो जाएगा। और नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग है, देखिएगा विरोधी रंग भी बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार करिएगा कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। आप सभी को बता दो कि पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है नीला रंग होता है, लेकिन नीला रंग ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करके यहाँ पे नीला रंग लिख देते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है भाई छत है तो कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको याद रखना है कि केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे, तो खोबल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है कि कपड़े पर पेंटिंग
कपड़े पर पेंटिंग है तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर एक्रिलिक रंग हो जाएगा। कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और यहाँ भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा होती है, तो चलिए इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया कि जो वक्र रेखा होता है वही लयात्मक होता है, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न देखिए, आलेखन कला से आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि कमल का फूल हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो कमल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि भैया मोनोक्रोम क्या होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया, तो आप सभी को बता दूं कि यह इसका करेक्ट आंसर गौ हो जाएगा। एक ही रंग के विभिन्न ताल को हम लोग मोनोक्रोम कहते हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ पे बता दूं कि जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और दिक्कत होता है तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ जाएगा, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, लेखन कला के 50 प्रश्न कराए, इसमें से कोई 25 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद से मैं आपको प्राविधिक कला के 50 प्रश्न कराने जा रहा हूं, इसमें से भी कोई 25 तैयार कर लेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में दोनों ऑप्शन देता है कि आप आलेखन कला के प्रश्न करना चाहते हैं या प्राविधिक कला के, तो जो आपको समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। अब चलिए आपको प्राविधिक कला के 50 प्रश्न कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आपको देखना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, तो आप सभी को बता दो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है, तो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल होता है, तो भाई वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, चार कोण होते हैं, तो 9 × 36 यानी 360 हो जाएगा, तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, ये प्रश्न तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हर साल बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो और ऑप्शन होगा, तो चलिए उसको भी दिखाते हैं। और ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न आपको कह रहा है कि वृत्त का आकार होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वृत्त है, तो कवल आपका वृत्त हो जाएगा। और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाइएगा। और आप सभी को बता दो कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का होता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक है, तो संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे ही संपूरक कहा जाता है, तो यहाँ पे ये हमारा खवाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 60 और 120 हमारा 180 हो जाएगा। और प्रश्न आपको दिया गया है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींचा जाता है, तो कवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा दो बिंदु है ना, तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, एक ही रेखा खींचा जाएगा, आपको याद रखना है। और 8 नंबर का प्रश्न है कि इसमें से कौन सा ऐसा कोण है जो अधिक कोण है, तो आपको याद रखना है कि भाई 90 अंश से अधिक जो कोण होता है वही हमारा अधिक होता है, कम हो तो हमारा यहाँ पे घ वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो चलिए इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे कवला हो जाएगा, 10 डेसीमीटर होता है, आपको याद रखना है। और 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है, तो त्रिभुज के जो अंतः कोण होता है टोटल योगफल जो आपका होता है 180 अंश होता है, तो 180 अंश तो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो दो समकोण 90 + 90 = 180 होता है ना, तो यहाँ पे खवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के भुजाओं के गुण होते हैं, तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो कवला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 12 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है भैया किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा घ वाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं समान होती है, तो HB से खींची गई रेखाएं समान होती है, तो चलिए आपको अगला प्रश्न दिखा देते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन इससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है, चूंकि ये ऑप्शन सही नहीं है। और 14 नंबर का प्रश्न है कि सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन होगा, तो जिसमें बी की संख्या अधिक होगा तो हमारा खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 6B हमारा गाढ़ा होगा। और 15 नंबर का प्रश्न है कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये देखिए बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कवला हो जाएगा, आपको याद रखना है। और 16 नंबर का प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर कवला हो जाएगा। और 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, तो साधारण मापनी पे कम से कम 2 प्रकार का माप दिखाया जा सकता है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न
करना है कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में यहाँ पे समान असमान आधा और यहाँ पे दुगुना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कॉल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किससे स्पर्श करती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको याद रखना कि यहाँ वक्र को स्पर्श करती है। गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रिज्म में होते हैं, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ गया है कि एक वक्र प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चार होते हैं, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 22 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया एक समक कोण होता है, तो आप सभी को याद रखना कि जो होता है वो 180 अंश का होता है, आपको याद रखना। और यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है तो 90 अंश होता है, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, तो घन में क्या होता है वर्गाकार होता है, तो यहाँ पे कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया कि एक घन में कितने फलक होते हैं, तो आप सभी को याद रखना कि एक घन में हमारे क्या होते हैं 6 फलक होते हैं, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 27 नंबर का प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार के माप अंकित कर सकते हैं, तो 2 प्रकार का कर सकते हैं, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि भैया 2 वृत्तों के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जा सकता है, तो 28 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा स्तंभबाहु, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 29 नंबर का प्रश्न है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। 30 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक आयताकार कमरे में क्या होते हैं 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर खवला हो जाएगा। और 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई दोनों सिरा वृत्ताकार होता है, तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो ये भी 90 अंश का ही होता है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि दूसरा कोण जो हमारा होगा वो भी हमारा कितना होगा 90 अंश का होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे खोबला हो जाएगा। और यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा होगा तो 240 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में 180 अंश का बनेगा और यहाँ पे पूरे वृत्त में 360 अंश का बनेगा, आपको याद रखना है। और 35 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया कि इसके कोण में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक कोण 30 है तो दूसरा अभी हमारा क्या होगा 30 होगा, चूंकि दोनों का योगफल 60 दिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन दिया गया तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वृहत कोण नहीं है, तो आप सभी को याद रखना कि जो 36 नंबर प्रश्न इसका करेक्ट आंसर आपका 180 अंश हो जाएगा, ये वृहत कोण नहीं है। और 37 नंबर का प्रश्न है कि किस वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है, 2 समान भागों में होगा, कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 नंबर का प्रश्न है किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, तो 4 समकोण के बराबर होता है, यानी 360 अंश के बराबर होता है, तो खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है कि निम्न से कौन अधिक कोण है, तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे गोवल हो जाएगा। और यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो आप सभी को बता दूं एक घनाभ में हमारे 6 फलक होते हैं, तो खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। 41 नंबर का प्रश्न आ गया है, प्रश्न कह रहा है एक घन में कितने कोर होते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं एक घन में हमारे क्या होते हैं 12 कोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा घोवला की जगह पे हम 12 कर देते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 42 नंबर का प्रश्न है ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो आप सभी को बता दूं करेक्ट आंसर यहाँ पे रेखाएं हो जाएगा, क्योंकि ज्यामिति की रचना में रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर का प्रश्न है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं, तो भाई वृत्त में क्या होता है एक ही केंद्र होता है, तो कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और 44 नंबर का प्रश्न है कि परिध का कोई भाग क्या कहलाता है, तो जो परिध का कोई भाग होता है वो जीवा कहलाता है, कोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 45 नंबर का प्रश्न है कि मपनी में पहले मुख्य भाग लिखा जाता है, शून्य लिखा जाता है, आपको याद रखना है। और संपूर्ण कोण होता है तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, आपको याद रखना है। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा देते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, तो खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित कौन सी रेखा लयात्मक होती है, तो हमारा वक्र रेखा होता है, तो गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है भाई
कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो मंसूर थे, तो खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 50 नंबर का प्रश्न है कि 200 का कुल नारी भित्ति चित्र है, अजंता में है, बाग में है, अजंता में है, बाग में है कि बादामी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम चेक करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो जिनका भी सपना है बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% से ऊपर नंबर पाने का, तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।